नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की चैनल अननोन वर्ल्ड में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खुश होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है काला धतूरा के बारे में। वैसे आपने सफ़ेद धतूरा के बारे में बहुत सुना होगा, वह भी शिव जी को चढ़ाया जाता है, गणपति भगवान में भी अर्पित करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उपाय, वह है काला धतूरा। काले धतूरे के ऊपर आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, आपको किस दिन लेकर के आना है ये वृक्ष, ये पौधा अपने घर में, और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मेरी जानकारियाँ आप दुनिया में कहीं भी हो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों जिस तरीके से सफ़ेद धतूरा होता है वैसा ही होता है काला धतूरा। आपको इसे फाइंड आउट कर लेना है, जहाँ सफ़ेद धतूरे होते हैं वहीं पर कहीं ना कहीं आपको काला धतूरा भी मिल जाएगा। काला धतूरा थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है सफ़ेद धतूरे की तुलना में, लेकिन ये बहुत ही कारगर है। इसका उपाय दोस्तों बिल्कुल अमोघ है, होकर के ही रहता है। संतान प्राप्ति में भी दोस्तों ये मदद करता है, तंत्र मंत्र में, मान सम्मान की वृद्धि में, हर चीज़ में दोस्तों, मोस्ट ऑफ चीज़ों में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बहुत सोच समझकर इसे लगाना है। आप इसको घर के आगे बिल्कुल ना लगाएं, पूर्व दिशा में ना लगाएं, या दक्षिण में लगाना, या फिर आप इसे उत्तर में लगाएं, यदि आप अपने घर के पास लगाना चाहते हैं तो। तो दोस्तों आपको बहुत ही साधारण सा उपाय है, आपको देख लेना है कि काला धतूरा कहाँ लगा हुआ है। आप एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाएं, और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि वहाँ पर आप चावल, पीले चावल चढ़ा दें, दो अगरबत्ती, थोड़ा सा पानी सींच दें उसकी जड़ में, और उससे प्रार्थना करें कि कल मैं आपको लेकर के जाऊँगा या जाऊँगी। और देख ले दोस्तों वह दिन या तो गुरु पुष्प नक्षत्र हो या रवि पुष्प नक्षत्र हो। यदि आपको आपका मान सम्मान बढ़ाना है, समाज में अपनी जगह बढ़ानी है, अपने घर का मान ऐश्वर्य ये सब चीज़ें बढ़ानी है, तो आप रवि पुष्प नक्षत्र में लेकर के आएँ। और यदि दोस्तों आपको टोना टोटका, यदि आपके घर में किया गया है, कोई भूत पिशाच बाधाएं यदि आपको घेरे हुए हैं, या किसी चीज़ का आपको तंत्र विद्या सिद्ध करनी है, वशीकरण के लिए यूज़ करना है, तो फिर आप गुरुवार के दिन गुरु पुष्प नक्षत्र में लेकर के आइए इसे। और मैं तो यही कहूँगी कि आप इसे जड़ लाने के बदले बेहतर होगा कि आप छोटा सा पौधा लेकर के आए अपने घर के पास ही कहीं, हाँ लेकिन अपने घर से लगभग 8-9 फुट की दूरी पर लगाएं, बिल्कुल घर के पास धतूरा ना लगाएं। थोड़ी दूरी पर, कम से कम 8-9 फुट की दूरी तो होनी चाहिए। इतनी दूरी पर बिल्कुल साफ सफाई से, जैसे आप पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी के करते हैं, यदि आप धतूरे की भी करेंगे, जैसे आंकड़े की पूजा दोस्तों फलदायी होती है, वैसे इसकी भी होती है। हमें ज्ञान नहीं है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें खराब है, खराब कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही शुभ फलदायी साबित होती हैं। तो दोस्तों आपको सोच लेना है कि आपको लाना किस दिन है, आप किस उद्देश्य से लेकर के आ रहे हैं। तो उस दिन दोस्तों आपको इसे लेकर के आना है और अपने घर के पास ही आप लगा लें, और नित्य ही आप इसकी पूजा करेंगे तो भी दोस्तों हमेशा आप पर शिव जी की और गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों या तो आप इसे दक्षिण में लगाएं क्योंकि गणेश जी को प्रिय है, उत्तर में लगाएं यदि आप शिव कृपा पाना चाहते हैं, तो दोनों ही दिशाएं बहुत ही अच्छी है, मैं फिर से आपको बता दूं। इसके बाद दोस्तों आपको जो ग्रह, जैसे कि गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र में, जो मैंने बताया इन दोनों में से कोई भी एक नक्षत्र में आप इसकी जड़ थोड़ी सी ले लें, और उसके बाद दोस्तों आप उसे गंगा जल से, दूध से, जल से धो करके साफ करके और इसे स्थापित कर दें घर के अंदर। इसमें सिंदूर चढ़ा दें, चंदन चढ़ा दें, कुमकुम चढ़ाएं, जो भी आप जैसे आप पूजा करते हैं चावल वगैरह सब को चढ़ा करके अगरबत्ती, दो अगरबत्ती लगा दें, घी का दिया लगा दें, और दोस्तों ओम नमः शिवाय आप इस मंत्र की 5 माला दोस्तों कर लें। 11 माला करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन 5 माला, क्योंकि मंत्र भी छोटा है, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, आसानी से हो जाएगा, आप इसे कर लें।
यदि आप रवि पुष्य नक्षत्र में दोस्तों ला रहे हैं और कर रहे हैं, यदि आपको घर का मान सम्मान बढ़ाना है, घर का ऐश्वर्य बढ़ाना है, समाज में, घर में, लोगों के बीच में, यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपका सिक्का चलना चाहिए, आपका नाम चलना चाहिए, लोग नोटिस करें कि यस आप कुछ हैं, तो फिर आप रवि पुष्प नक्षत्र में काम करें। अन्यथा मैं बता रही हूँ, जैसे आपको कोई टोना टोटका तकलीफ दे रहा है, आपके घर में कोई भूत पिशाच है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसे आप दूर भगाना चाहते हैं, तो फिर आप इसे गुरुवार के दिन लेकर यूज़ करें। और यदि गुरुवार के दिन लाने से दोस्तों वशीकरण भी बहुत ही अच्छा होता है, यदि आप वशीकरण में यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप गुरुवार के दिन इसे लेकर के आएँ। संतान प्राप्ति के लिए भी दोस्तों गुरुवार के दिन या रविवार के दिन, संतान प्राप्ति में तो दोनों ही दिन ये काम करता है। तो दोस्तों यदि आप जिस उद्देश्य से लाए हैं वहाँ आप इसे रख दें, जैसे आप रविवार के रवि पुष्प नक्षत्र में लाए हैं ऐश्वर्य के लिए, मान सम्मान के लिए, तो फिर आप खुद इसे धारण कर लें, तिजोरी में रख दें। दोनों ही जगह ये पूरी ताकत से काम करेगा, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ने लग जाएगा, घर का ऐश्वर्य बढ़ने लग जाएगा, जो बुरी चीज़ें हैं वो आपके घर तक एंटर नहीं होंगी, तिजोरी तक एंटर नहीं होंगी। गुरुवार के दिन दोस्तों गुरु पुष्य नक्षत्र में आप पूजा करते हैं जड़ की, तो भी आप दोस्तों इसे अपने बाजू पर धारण कर सकते हैं। महिलाएं दोस्तों कमर में, बाजू में, कहीं पर भी शरीर में इसे धारण कर ले, शरीर से मतलब टच करके इसे धारण करें, संतान प्राप्ति के बहुत जल्दी योग बनने लग जाते हैं। वशीकरण के लिए भी दोस्तों गुरुवार का दिन पसंद करें, गुरुवार के दिन यदि आप पूजा करके इसे धारण करते हैं तो भी वशीकरण होगा। और यदि इसकी जड़ को पीस करके आप किसी डब्बी में भरकर रख लीजिए, और कहीं पर भी जब आप बाहर जाते हैं या जिसके सामने आपको वशीकरण करना है, जिसके ऊपर करना है, उसके सामने दोस्तों इसका तिलक लगा करके जाएं, सामने वाले का वशीकरण फटाफट होने लग जाएगा। जब भी आप वशीकरण के लिए यूज़ करते हैं या महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए धारण करती हैं, हमेशा ओम नमः शिवाय के 11 या 21 मंत्र रिपीट कर दें, फिर से बोल दें। दोस्तों हमेशा अच्छे ग्रह नक्षत्र में इसे अगरबत्ती का धूप अवश्य ही दिखाते रहें, सके हो तो थोड़ा सा सिंदूर वगैरह इस पर चढ़ाते रहें, महीने में, दो महीने में, छः महीने में, और अपने पास रखें। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप उस पौधे पर भी जल का सिंचन करते रहेंगे, अगरबत्ती लगाते रहेंगे, तो भी आपके घर में जल्दी कोई भूत बाधा प्रवेश नहीं करेगी। जैसे दरवाजे पर यदि आप सफ़ेद आंकड़ा लगाते हैं तो भी दोस्तों आपके घर के अंदर कोई भूत बाधा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर आपके घर में नहीं होती है। वैसे ही काला धतूरा भी दोस्तों बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही रोगों में भी इसका यूज़ होता है, लेकिन इस समय हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके विषय में दोस्तों आप जानकार व्यक्ति से ही, मैं तो बार बार बता रही हूँ कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल में देखते हैं किसी भी पेड़ पौधे की जड़ का यूज़ करने का, तो ज़रूर किसी जानकार व्यक्ति से पहले पूछ लें, तभी आप इसका यूज़ करें, अदरवाइज़ मुसीबत में फंस जाएंगे। जो मैं बता रही हूँ पूजा पाठ की दृष्टि से यदि आपको यूज़ करना है तो काला धतूरा बहुत ही बेस्ट है, वशीकरण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, मान सम्मान के लिए, ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए। बस ज़रूरत है आपको सही समय पर इसे लाने की और सही ढंग से इसका जो है उपचार कर लेने की, इसकी पूजा कर लेने की और सही ढंग से इसको धारण करने की। रिजल्ट आएगा, आएगा और आएगा, आप पूरा विश्वास रखें। अगर कभी किसी चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि नहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इंतज़ार करें। नॉट नेसेसरी कि आपने अभी किया और अभी आपको इसका जवाब मिल जाएगा, अभी के अभी आपको इसका आंसर मिलेगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, आपको वेट भी करना पड़ेगा। और मैं बता दूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ा बड़ा फ्रॉड करते हैं, आपने यूँ किया हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। सावधान रहें दोस्तों, इंसान इंसान है, कोई भगवान नहीं होता है, आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें, नहीं तो गलत जगह पर फंस जाएंगे। पेशेंस रखें थोड़ा और इन चीज़ों को विश्वास के साथ करें, शांति से करें, इन पर भरोसा रख के करें, काम तो होना ही है, काम होगा ही, इस बात को आप मान लें, लेकिन विश्वास से करें, बस थोड़ी सी शांति रख करके करें।
तो दोस्तों, यदि आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करें। करते रहें दोस्तों, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।